कल वो जो ट्वीट किया उनसे आप खुश नहीं? जी नहीं, वो ट्वीट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये ट्वीट आप पहले भी कर सकते थे। फॉर्म में हमारा क्या हुआ कि हम लोगों ने कैंसिल किया था, पर वो हमारा कैंसिल हुआ नहीं। कौन से स्टैंडर्ड के लिए? हम लोग 11, 12 और 9, 10 के लिए किया था। हम लोग का ये दिक्कत है कि मतलब हम गोरखपुर से आए हुए हैं, तो हमारे नाम से कोई दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन कर दिया। मेरा तीसरा पेमेंट फंसा है। तीसरा? तीसरी बार पेमेंट फंसा है। आयोग बोल रही है कि आप कितने टोटल रुपए फंस गए? 4500 रुपए। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए बीपीएससी आयोग के बाहर हम खड़े हैं और आज भी वही भीड़, वही लोग, सारे लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि अतुल प्रसाद बता तो दिए हैं कि ये ऑप्शन भरना है, लेकिन बड़ा लेट बताए। लगातार लोग गुस्सा कर रहे हैं। आप बताइए कि सीटेड अपीयरिंग को मौका नहीं, और जब फॉर्म भर दिए लाखों लोग, तब अतुल प्रसाद ट्वीट किए कि कौन सा ऑप्शन भरना है, और ये भी बोल दिए हैं कि डेट एक्सटेंड हो गया, लेट फाइन लगे, तो खुश हैं? जी नहीं, हम, मेरी समस्या है अन्न का ऑप्शन, मैंने अन्न का चूज कर लिया है और इससे पेंशन हो गया है कल से, जब से उन्होंने 11 बजे, जबकि कल अधिकारियों से जब हम बात किए थे यहाँ IT डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने बोला कि अब समस्या नहीं होगी, जो भर दिए आगे से ध्यान रखे जाएंगे दूसरे लोग। जो भर दिए उनका क्या? जो अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन, क्योंकि कल बोला गया था कि शाम तक इसका कोई स्पेशल मतलब देंगे, हम स्टेटमेंट देंगे, लेकिन अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं आया है। फिर से वही पढ़ने मन नहीं लग रहा है, क्या बताए, ध्यान है कि क्या पता रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, जबकि मैंने 2 बार पेमेंट किया है, एक बार सक्सेस नहीं, दूसरी बार सक्सेस हुआ। आप कितने रुपया हम लगाएंगे? 3000। कल वो जो ट्वीट किया उनसे आप खुश नहीं? जी नहीं, वो ट्वीट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये ट्वीट आप पहले भी कर सकते थे लेकिन आपने कल ट्वीट किया है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आप बताइए कि दिक्कत कहाँ आ रही है और क्या हो गया? हम लोगों ने पहले फॉर्म भरा, सबसे पहले है कि पेमेंट हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहा। कब फॉर्म भरे? 11 तारीख को ये फॉर्म भरे थे हम लोग। रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, कल लास्ट डेट था, कल तक पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर इनका एक अन्य का एक ट्वीट आया कि अन्य वाले का कौन सा ऑप्शन भरना है वो बताएं। हाँ, अपना सब्जेक्ट भरना है। भर चुके थे तब तक हम लोग, अन्य भर चुके थे हम लोग, फिर उसको कैंसिल किए अन्य अपना सब्जेक्ट डालने के लिए, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन करवाए, अब पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो हम लोग फॉर्म कैसे भरे हम लोग? अब क्या होगा? अब ये सरकार जाने। सरकार जाने। आप क्या प्रॉब्लम लेके आए? आपका भी पेमेंट फंस गया या आपने भी गड़बड़ी कर दी? मेरा तीसरा पेमेंट फंसा है। तीसरा? तीसरी बार पेमेंट फंसा है। आयोग बोल रही है कि आप कितने टोटल रुपए फंस गया? 4500 रुपए फंस गया। फंस गया। कौन सा स्टैंडर्ड के लिए आप परीक्षा देने वाले थे? फिजिकल टीचर के लिए। फिजिकल टीचर? 9 to 10 के लिए। 9 to 12 के लिए। 9 to 10 के लिए। तब क्या करेगा? अतुल प्रसाद तो कहे हैं कि कौन सा ऑप्शन कैसे भरना है, लेट कर दिए। लेट हो गया तो वो लेट किए कि आप लेट किए? अब उनका, उनके तरफ से लेट आया ना जवाब, तभी तो हम लोग, पहले तो कोई क्लियरिफिकेशन नहीं था कैसे क्या करना है। चलिए तो आप क्या दिक्कत लेके आए? देखिए सर, हम लोग का ये दिक्कत है कि मतलब हम गोरखपुर से आए हुए हैं, तो हमारे नाम से कोई दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन कर दिया पहले। ये क्या कह रहे हैं? मतलब कि कल भी बहुत लोग मिले थे कि रजिस्ट्रेशन आप किए नहीं? नहीं, हम किए। पूरा समझाइए कि क्या मामला है। जैसे हम जब रजिस्ट्रेशन करने गए तो देख रहे हैं कि ऑलरेडी मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसको झोल समझिएगा कि बेमानी समझिएगा कि सर्वर का गलती समझिएगा। नहीं सर, इसमें कोई ना कोई कोई है, इसमें मिला हुआ है। जैसे कई लोग इस तरह के कल भी आए थे, मतलब इस तरह के, मतलब विसंगति है इस तरह का, कई फॉर्म भर नहीं रहे, फॉर्म कोई और भर दे रहा है। कोई और भर दे रहा है। नाम किसका? नाम आप ही का? हाँ, नाम वगैरह माता और पिता का सब मेरा ही है नंबर है। और नंबर अपने आप बैठेगा कि वो बैठेगा, कौन बैठेगा? अब तो यहाँ आए IT सेल में, देखिए अब क्या होता है इसका। चलिए आप बताइए कि आप क्या मसला लेके आए, कह रहे हैं कि हम भरे नहीं फॉर्म, कोई और फॉर्म भर दिया, तो बैठेगा कौन? ये कि वो ये पेमेंट से कैंसिल, हमको जो है पेमेंट नहीं ले रहा, आज कैंसिल करवा कर जो किया, पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। और फॉर्म तो पहले ही अन्य भरा था, लेकिन फिर जब पहले वाला ऑप्शन भर रहा हूँ तो कैंसिल करके भर रहा हूँ, तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है पेमेंट का। पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिला। और भी लोग यहाँ पे हैं। जी, बीपीएससी अध्यक्ष से मेरी प्रार्थना है कि एडिट का ऑप्शन दे हमें, या फिर या पैसा रिटर्न के किस, बस एक सॉल्यूशन हमें चाहिए। एडिट का ऑप्शन चाहिए। एडिट का? जी हाँ, एडिट का ऑप्शन, जो अन्य विषय चूज किए हैं उनके लिए एडिट का ऑप्शन, बस यही। और भी यहाँ पे लोग हैं जो लगातार निकल रहे हैं। आप ये बताइए कि आप लोग क्या दिक्कत लेके आए? पेमेंट इश्यू है या क्या है? पेमेंट इशू या पेमेंट इशू नहीं है, तो फॉर्म का इशू है? नहीं, फॉर्म में हमारा क्या हुआ कि हम लोगों ने कैंसिल किया था, पर वो हमारा कैंसिल हुआ नहीं। कौन से स्टैंडर्ड के लिए? हम लोग 11, 12 और 9, 10 के लिए किया था। 11, 12 और 9, 10। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो बेतिया से आए हैं। बेतिया से? क्या शिकायतें हैं? आयोग से शिकायत है या सर्वर से? शिकायत नहीं, सर्वर की वजह से हम लोगों ने कैंसिल तो कर दिया, पर हमारा वापस से पुराना रजिस्ट्रेशन खुल रहा था, उसके लिए हम लोग IT डिपार्टमेंट से मिलने। दिक्कत है? हाँ, दिक्कत। आप कहाँ से आए? सेम इशू। देख लीजिए कि लगातार आप कुछ दिखा रहे हैं। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, हम लोग पेमेंट कैसे करें? हम लोग
चलिए देखिए, जो लगातार हम दिखा रहे थे आपको वही हो रहा है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी लगातार लोग झेल रहे हैं। बीपीएससी आयोग के बाहर आप देख सकते हैं कि सारे लोग पहुंच रहे हैं, और मामला बस यही है भैया कि किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत, किसी का पेमेंट अटका हुआ है, तो कोई फॉर्म आज तक भरा ही नहीं जीवन में, तो दिखा रहा है कि आप फॉर्म भर चुके हैं। अब क्या झोल है क्या नहीं है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी टीआरई 2.0 रिलेटेड लगातार विवाद छिड़ रहा है। आप देखना होगा कि अतुल प्रसाद अब क्या करेंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।